महानगर में लगातार हो रही बारिश से होने वाले जलभराव से निपटने के लिए नगर निगम पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है, जिसको लेकर नगर निगम जलभराव वाले क्षेत्रों में पंपिंग सेट लगाकर पानी की निकासी करा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह ने बताया कि नगर निगम द्वारा जल निकासी की पूरी व्यवस्था की गई है। महानगर में कहीं भी जल जमाव की स्थिति नहीं है, मात्र 1 से 2 घंटे में पंपिंग सेटों के द्वारा जल निकासी करा दी जा रही है। जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए नगर निगम पूरी तरह से सतर्क है, नगर आयुक्त ने बताया। देखिए, चूँकि शहर में एक साथ ज़्यादा बारी होने की स्थिति में नालों से पानी लिमिटेड मात्रा में ही निकलता है, लेकिन कहीं पे भी पानी अस्थायी रूप से नहीं रुकता है। कुछ जगहों पे जो निचले इलाके हैं वहाँ से पानी थोड़ा लेट निकलता है, लेकिन ये सारा पानी निकल जाता है, कहीं पे अस्थायी जल जमाव नहीं है। और इस प्रकार कुल हमारे जो है 52 स्थल आइडेंटिफाई हैं जहाँ पंप लगा करके पंपिंग सेटों के माध्यम से पानी निकाला जाता है। निचले इलाके जो हैं वहाँ पे 8 पंपिंग स्टेशन बनाए गए हैं, वहाँ का पानी बगल के नालों में पंप किया जाता है। बंधे के किनारे किनारे कुल 11 पंपिंग स्टेशन में कुल लगभग 125 के करीब जो है पंप स्थापित हैं, जो पानी को नदी में नालों में बाहर पंप कर देते हैं। इस प्रकार कहीं पे अस्थायी जल भराव की समस्या नहीं है, जो बारिश का पानी है ये अगले 1-2 घंटे में निकल जाएगा।